मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर दमोह जिला मुख्यालय पर भी 10 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में जिले के जहां सभी ब्लाकों के छोटे से बड़े नेता कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, वहीं कांग्रेस पदाधिकारी विधायक अजय टंडन से लेकर जिला कांग्रेस मनु मिश्रा तक लगातार सक्रियता दर्ज कराते रहे। अम्बेडकर चौक पर आयोजन हेतु बनाए गए पंडाल के भीड़ अधिक होने की वजह से छोटा पड़ जाने पर जहां साइड में पंडाल को बढ़ाने का दौर चल रहा था, इसी बीच में अचानक लाइट चले जाने के बाद में कांग्रेस नेता पसीना पसीना होते नजर आए, क्योंकि माइक भी बंद हो चुका था और गर्मी भी भीषण चल रही थी। जैसे तैसे कुछ देर में लाइट दोबारा आई, माइक और मंच दोबारा चालू हुआ कि अचानक बारिश का दौर शुरू हो गया। और बारिश के दौर में जिस तरह से कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर इंद्रदेव ने अपनी विधनमा दान डाली, उसे देखकर कुछ लोग तो चुटकी देने से भी नहीं चुके कि क्या इंद्र भी मोदी से मिले हुए हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन आयोजन मोदी सरकार की नीतियों, महंगाई, कृषि कानून आदि के खिलाफ में चल रहा था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं को जहां जिन गद्दों का इस्तेमाल उन्होंने बैठने के लिए किया था, उसे पानी से बचने के लिए सिर छुपाने के लिए करना पड़ा। वहीं जो होल्डिंग्स और होर्डिंग्स इनके द्वारा लगाए गए थे, उनके जरिए पानी से बचते नजर आए। सभी कांग्रेस जनों से अनुरोध है, मोर्चा संभाले रहे, डटे रहे, देखो भोले बाबा की कृपा है अपने ऊपर। और अभी जोरदार बारिश के दौर के चलते जहां समय के पहले कांग्रेस का धरना खत्म हो गया, वहीं एसडीएम को ज्ञापन के साथ ही कांग्रेस का तंबू खड़ते देर नहीं लगी। इधर मानस भवन के समीप रुके कांग्रेसियों ने देखते ही देखते दो पुतले खड़े कर लिए और मौका पाकर ही अंबेडकर चौक के पास पहुंचकर उन्होंने इन पुतलों को फूंकने में देर नहीं की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले बताकर अंबेडकर चौक से जिला अस्पताल गेट के बीच में पुतला दहन करते ही भारी बारिश के बावजूद यह पुतले धू धू करके जलते हुए देर नहीं लगी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से हतप्रभ पुलिसकर्मी तत्काल ही मौके पर दौड़कर पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन तब तक पुतले जल चुके थे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तो क्या पूरे देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के सहयोगी दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और दमोह में भी हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्माननीय कमलनाथ जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज केंद्र में बैठी हुई सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। महंगाई को देखिए, डीजल पेट्रोल का रेट देखिए, गैस सिलेंडरों का रेट देखिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखिए, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश उन पर नंबर वन पर है, उसको देखिए। इन सभी बातों को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं।